तो चलिए दोस्तों, आज अपना लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनका देखिए बेसिक क्या है, उनके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इनका बेसिक बहुत कम है। देखिए क्या है बेसिक, इनका बेसिक देख लीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं क्या ए की पावर जीरो कितना इनका वैल्यू होता है, बहुत। ए की पावर जीरो का मतलब हुआ आप ए की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। यदि ए की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, उन पे यदि पावर जीरो है तो उनका वैल्यू कितना होगा, वन। आपको एग्जांपल लेकर के बता दूंगा। उनके बाद चलिए और दूसरा इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है जैसे कि ए की पावर माइनस का वन। जैसे कि ए की पावर माइनस का वन क्या हो जाता है आपका, यह हो जाता है आपका एक बट्टा ए हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, या एक बट्टे ए हो जाता है। इन सवाल को सॉल्व करते, जैसे आप लोग जानते हैं कि यदि किसी पर संख्या के पावर जीरो है तो उनका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। कितना, जैसे मान लीजिए दो की पावर जीरो है तो इनका वैल्यू कितना होगा, वन। कितना होगा, वन। किस फार्मूला से, इस फार्मूला से, ठीक है। तो देखिए दो की पावर जीरो है तो इनका वैल्यू कितना होगा, वन। आप लोग कह सकते हैं इसी प्रकार एक लाख पे करोड़ अरब बिलियन पे भी पावर जीरो है तो उनका वैल्यू कितना होगा, वन होगा ना। तो सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पाँच पे पावर जीरो है तो इनका वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कह सकते हैं पाँच पे पावर जीरो है तो इनका वैल्यू कितना होगा, वन होगा। कितना होगा, वन। तो कितना होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, पाँच के पावर जीरो कितना होता है, इनका वैल्यू वन होता है। तो चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दे। देखिए यहाँ पे तीन के पावर माइनस का वन है, इस फार्मूला से एक पावर माइनस का वन को क्या लिखते हैं, एक बट्टे एक लिखते हैं, ठीक है। और सेम उसी प्रकार इनको क्या लिखेंगे, तीन के पावर माइनस का वन को क्या लिखेंगे, एक बट्टे कितना लिखेंगे, तीन लिखेंगे। कितना लिखेंगे, एक बट्टे तीन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक देकर क्या लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह के एलसीएम के लिए क्या ट्रिक है, देखिए कोना कोने गुना कर दीजिए, अपना एलसीएम निकल के चला आया। देखिए क्या, एक तीन का एलसीएम कितना होगा, तीन होगा। एक तिया, देखिए कोना कोने गुना करेंगे कितना होगा, एक तिया तीन, एक कम एक, कितना हुआ, एक से गुना कीजिएगा तो तीन हुआ। फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर एक गुना एक कीजिएगा तो कितना, एक एन होगा। तो कितना होगा, तीन एक चार, देखिए तीन एक कितना हो गया आपका, तीन एक चार बटे तीन। आई होप यहाँ तक समझ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पर कितना होगा इनका राइट आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।